तो अपने डेस्क सेटअप के टेबल टॉप को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये 6x3 का प्लाईवुड बाय किया हुआ है। एंड ये MR प्लाईवुड है जिसको मरीन प्लाईवुड बोलते हैं। इनका जो लोड कैपेसिटी रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, साथ में स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो भी जो बजट वाले रहते हैं उनसे ज्यादा बेहतर निकल के आता है। एंड इसके अंदर में आपको वाटर रेजिस्टेंस जो रहता है वो बजट वालों से ज्यादा बेहतर रहता है, इनकी लाइफ ज्यादा लंबी रहती है। डेफिनेटली अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, पानी लगातार इस पर पड़ता रहेगा तो ये खराब होगा, बट जो बजट वाले रहते हैं उनके कंपेरिजन उनकी लाइफ काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब इससे मेजोरिटी लोगों के लिए 5x2 फिट का या 4x2 फिट का जो टेबल टॉप रहेगा वो मोर देन एनफ रहने वाला है। मेरा काम ऐसा है कि मुझे कभी प्रोडक्ट शूट वगैरह भी करने रहता है तो मुझे टेबल जो है थोड़ा सा बड़ा चाहिए रहता है। तो आप में से जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए 6x3 का जो टेबल टॉप है या 7x3 का जो टेबल टॉप है वो काफी बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है आपको जब प्रोडक्ट वगैरह शूट करना रहता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये मेरे टेबल टॉप का नीचे वाला पार्ट है एंड इसके ऊपर मैंने कोई भी सनमाइका का पेस्टिंग नहीं करा है, सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट था जो कि अभी मेरे बेड के सेक्शन में नीचे में उल्टा साइड में वहां पर ही मैंने सिर्फ सनमाइका का पेस्टिंग करा है। 600 रुपए से ले आपको 2-250 रुपए का कॉस्ट बैठ जाएगा बेस्ड ऑन कि आप कितने थिकनेस का एंड किस क्वालिटी का लगा रहे हो। सेंचुरी प्लाई वगैरह का लगाते हो तो वैसे किसमें आपको 1800 से लेकर 2000 रुपए तक में आपको इजिली वो मिल जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके का फ्यूचर में दिक्कत ना हो, मॉइस्चर जो है वो कम जाए एंड साथ में कीड़ा वगैरह ना लगे, उसके लिए मैंने ये आधा लीटर का एशियन पेंट बाय किया, नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड इसको पेंट करने के लिए मैंने 2 टाइप का ब्रश यूज करने वाला हूं। ये जो ब्रश आप देख रहे हो ये इसके बड़े वाले पोर्शन को यूज करने के लिए, एंड जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको पेंट करने के लिए हम लोग ये पतला वाला ब्रश यूज करने वाले हैं। तो मेरे घर पे पिछले साल काम हुआ था तो ये दोनों ब्रशेस मेरे पास पड़े हुए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा या फिर आपको हार्डवेयर के शॉप पे जाके बाय करना हो तो वहां से जाके भी बाय कर सकते हो। इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको पेंट करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप व्हाइट थीम बिल्ड करने जा रहे हो फिर ब्लैक थीम बिल्ड करने जा रहे हो तो वैसे किसी में दिक्कत नहीं आएगा, पेंट ज्यादा विजिबल नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से देखते हो। बट अगर आप कलर कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हो तो वैसे किसी में आपको कुछ इस टाइप का टेप यूज करना पड़ेगा ताकि पेंट वगैरह अगर स्पिल भी करता है तो इसके ऊपर में ही जाएगा, कॉर्नर पे आपको लगा के रख देना है। ये जो पोर्शन है पेंटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा इसको सैंड पेपर से घिस के यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुलायम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 200 से लेके आपको 220 GSM का आपको सैंड पेपर मिल जाएगा इजिली। मेरे पास 150 GSM का है, मेरे दोस्त के घर पे काम चल रहा था उसके पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था काम खत्म होने के बाद तो उसने मुझे ये दे दिया। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 200 से लेके 220 GSM का बाय करना, वो थोड़े से ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं एंड आपको जो कॉर्नर पे एजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा बेहतर स्मूथ निकल के आएंगे। अब इसके कॉर्नर को सॉफ्ट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज घर में छोटे छोटे बच्चे कभी कभी खेलते खेलते टकरा जाते हैं तो उसके वजह से चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इवन हम लोग भी कभी जल्दीबाजी में टकरा जाते हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। तो उस टाइप का कोई भी एक्सीडेंट ना हो उसे बचाने के लिए हम लोग को फिनिशिंग का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप सैंडिंग करो इस तरीके से तो मास्क लगा लेना, मैं भूल गया था मास्क लगाना, फिर जब थोड़ा सा डस्ट उड़ रहा था तब समझ में आया, बिकॉज अगर आपके इनहेलिंग के दौरान ज्यादा अगर डस्ट चला जाता है तो आपको टीबी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, फिर लंग्स में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश करना कि मास्क पहन के या फिर रुमाल बांध के ही आप सैंडिंग का काम करना। तो अभी जो अपना टेबल टॉप का पीछे वाला पोर्शन था आप देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसको सूखने के लिए 24 घंटा छोड़ देंगे। एंड कॉर्नर वाला जो पार्ट है उसको मैंने अभी पेंट नहीं किया बिकॉज आप देख सकते हो कि मैं अपने बेड के ऊपर मैं इसको पेंट कर रहा हूं। एंड जब फ्रेम आ जाएगा एंड ये पूरा टेबल टॉप के ऊपर माउंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो पेंटिंग का पार्ट है कॉर्नर वाला उसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये वाला जो पार्ट जो हमने अभी कंप्लीट किया है ये भी खराब ना हो।